से ही मुझे गाना गाने का, डांस करने का और म्यूजिक का ही शौक था। जहाँ भी विजिट करना, वहाँ का फोक, वहाँ की लैंग्वेज, बचपन से ही मुझे बहुत रुचि थी इस चीज़ में, तो मैं कहीं का भी फोक बहुत आराम से गाती हूँ, शौक से गाती हूँ। मेरे फोर्स करने पे मुझे गाने को अलाउ किया और बाद में मुझे अप्रिसिएशन भी मिली और मैं कामयाब भी एक तरह से हुई। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के कार्यक्रम हिमाचल का नज़ारा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ने जा रही हैं, उनका संगीत के प्रति प्रेम सराहनीय है। आइए स्वागत करते हैं गीता भारद्वाज जी और उनकी पूरी टीम का। गीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गीता जी, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ विशेष जानकारी दें। जी, मेरा नाम गीता भारद्वाज खाची है और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के सराज की रहने वाली हूँ। जी। और बचपन से ही मुझे गाना गाने का, डांस करने का और म्यूजिक का ही शौक था। जी। तो तब से लेकर अब तक मैं फोक पे ही काम कर रही हूँ। जी, जी। और हिमाचल के लोगों ने मुझे बहुत प्यार भी दिया है। जी। और अभी तक मैं उनके आशीर्वाद से काम करती ही आ रही हूँ। जी जी जी। गीता जी, जैसा आपने बताया कि आप मंडी से हैं और इसीलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक मंडियाली गीत सुना दें। बिल्कुल। मैं मंडी का ही एक गाना सुनाने जा रही हूँ। मुझे बचपन से बहुत पसंद है ये गाना और मैं गीता भारद्वाज और मैं मेरा पूरा बैंड सब तक आपका साथ देंगे, आपको एंटरटेन करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा।
गीता जी, हमारी जानकारी के अनुसार हमें मालूम पड़ा कि आप हिमाचल के किसी भी भाषा में गीत गा लेती हैं, जो कि बहुत सराहनीय है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी पूरी प्रक्रिया रही है, कैसे आपने हर एक भाषा को सीखा और किस तरह से आपने खुद को इसमें ढाला, हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जहाँ मैं पैदा हुई, एक तो वहाँ की लैंग्वेज सबको आती है जी। फिर बचपन में क्या होता है कि अपने नानी के घर जाना, उसके बाद कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाना, तो सबकी अपनी अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जी। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट बचपन से ही था कि ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे गाते हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है। जहाँ भी विजिट करना, वहाँ का फोक, वहाँ की लैंग्वेज, बचपन से ही मुझे बहुत रुचि थी इस चीज़ में। तो मैं कहीं का भी फोक बहुत आराम से गाती हूँ, शौक से गाती हूँ। जी जी जी, ये बहुत ही सराहनीय बात है, क्योंकि किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से अडेप्ट कर लेना, ये बहुत ही बड़ी बात है गीता जी। बहुत ही अच्छी चीज़ है जी। जी गीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमारी जानकारी के अनुसार चौथी कक्षा में पहली बार आपने लोकगीत गाया था और जिसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया था, वहाँ से आपकी जो जर्नी रही है अब तक की, वो कैसी रही है, कैसा अनुभव रहा है आपका? पहले तो स्कूल तक तो चलो ठीक था, घर वाले माँ बाप पेरेंट्स अलाउ करते थे, ओके। लेकिन प्रोफेशन में इस चीज़ को, गायकी को एंड डांस को लाना, वो थोड़ा टफ था उस वक्त। नहीं, घर से निकलने की लड़कियों को परमिशन होती थी एंड ऑल, कि म्यूज़िक में कोई फ्यूचर नहीं है, जस्ट और कोई फील्ड ले लो, टीचिंग ले लो जी, जहाँ भी आप जाना चाहते वो करो, लेकिन गाना नहीं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मदर फादर ने मेरे फोर्स करने पे मुझे गाने को अलाउ किया, और बाद में मुझे अप्रिसिएशन भी मिली और मैं कामयाब भी एक तरह से हुई। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, हम सभी को आप पे गर्व है इस बात के लिए। गीता जी, मैं जानना चाहूँगी कि बचपन से लेकर आपके बहुत से पसंदीदा गाने रहे होंगे, कोई ऐसा बचपन का गीत जो आपके दिल को छू गया हो और जिसको आप बचपन में बहुत गुनगुनाती हो और जिसके साथ शुरुआती दौर आपका रहा हो, हमें, हमारे दर्शकों को वो गाना सुना दीजिए। बचपन की मेरी जो सबसे ज़्यादा यादगार जो गीत है, वो एक फोक ही गाना था, मेरे मदर मुझे सिखाया करते थे वो, और मैंने बहुत टूर्नामेंट्स में वो गाना गाया और सक्सेस भी हुई। गीता जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो आपका ये गायकी का एक पूरा दौर रहा है, इस दौर के चलते आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत सा ऐसा समय आया होगा जहाँ पे डाउनफॉल्स भी हो सकते हैं, अपफॉल्स भी रहे होंगे। उस दौरान में संगीत की जो भूमिका आपके जीवन में रही है, हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, प्रो एंड कॉन्स तो हर फील्ड के हैं जी। तो जब भी मेरा बुरा वक्त था, जब नहीं मैं सर्वाइव कर पा रही थी, एक सराज से आकर शिमला में आके सर्वाइव करना, लोगों के बीच में मिलना जुलना, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने एंड ऑल, तो सबसे पहले दूरदर्शन ने मुझे यहाँ पर मोटिवेट किया, मैं ये कहना चाहूँगी। 2003 या 2004 से मैं दूरदर्शन में गा रही हूँ और कोई मुझे जानता नहीं था, लेकिन दूरदर्शन यहाँ पर मुझे इन्होंने प्रमोट किया और बिलीव किया जी। तो दूरदर्शन मेरे लिए बहुत अहम हिस्सा रहा है।
मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2012 में आपने इंडियन आइडल में आपने भाग लिया, जिसमें आप टॉप 25 तक गई, जो आपका वो पूरा जर्नी रहा है, पूरी यात्रा रही है आपकी, वो यादगार तो रही ही होगी, उसके साथ साथ में कौन सी ऐसी चुनौतियाँ थी जो आपने झेली और संगीत ने आपको किस तरह से उनको पूरा करने में सहायता की? जी बिल्कुल, देखिए मैं मुंबई पहले कभी मैंने विजिट नहीं किया था जी। पहला चैलेंज तो वही था कि आपने मुंबई अकेले जाना है और आपने इतने बड़े कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पर आपको प्रूव करना है अपने आप को। तो पहली बार अटेम्प्ट किया मैंने, जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और मुझे वहाँ से बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिला जी। और इंडियन आइडल बहुत ही अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है जी। जी बिल्कुल जी। गीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसा गीत जिसने आपको पहचान दिलाई, जो आपको लगता है कि वो जो गीत था वो आपकी ज़िंदगी के लिए एक ऐसा गीत साबित हुआ जिसने आपकी ज़िंदगी को एक बड़े मुकाम पे या एक अहम मुकाम पे पहुंचा दिया। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को वो गीत सुनाएं। तो जिस गाने से मुझे पहचान मिली वो था, वो गाना मैं कह सकती हूँ कि टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। मुझे यकीन नहीं आता किस्मत पे कि मुझे इतना नेम एंड फेम मिलेगा और लोग मुझे जानने लगेंगे अपर हिमाचल में। तो वो गाना मैं जरूर गाना चाहूंगी। बदलते पर तेरे रे जमाना क्या क्या रंग दिखाए हाय, बदलते पर तेरे रे जमाना क्या क्या रंग दिखाए, हुए ना साजन मेरे रे जमाना क्या क्या रंग जी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो आपकी रुचि रही है संगीत में, उस रुचि को आपने बरकरार कैसे रखा, किस तरह से आपने अपने बचपन से अभी तक उस रुचि को बरकरार रखने के लिए आप क्या प्रतिक्रियाएं करती आई हैं, किस तरह से आप ये पूरे प्रोसेस को गो थ्रू करती हैं, किस तरह से आप ये पूरा प्रोसेस करती हैं? देखिए मुझे लगता है कि मैं गाने के लिए ही बनी थी बेसिकली। मुझे लगता था कि अभी मैं शिमला में सर्वाइव नहीं कर पा रही, मुझे कोई नहीं जानता है, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो छोटे से गांव से आई हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी इधर उधर जाने की मेरे मन में कई बार आई कि मैं कोई जॉब कर लेती हूँ, मैं इस फील्ड में काम कर लेती हूँ कहीं भी, लेकिन मैं गाने में ही मेरा हट फिर के एक कॉन्सेंट्रेशन बनता था जी। और इसी में अप्रिसिएशन मिलती थी, चाहे जो मर्जी हो म्यूज़िक ने ही मेरा साथ दिया, चाहे अच्छा है चाहे बुरा वक्त है जी। हम ये कह सकते हैं कि आपका हमसफ़र संगीत रहा है हमेशा से, और संगीत के साथ में आपने अपनी जीवन की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाया जी। इसके अलावा मैं कुछ और करने की सोच भी नहीं सकती जी। जी गीता जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी अपर हिमाचली भाषा में कोई गीत सुना दें जी। अपर हिमाचल ने मुझे बहुत प्यार दिया है जब से भी शिमला आई हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि ये शिमला से ही है, मुझे बताना पड़ता है कि मैं सराज की रहने वाली हूँ, मैं थुनाग की रहने वाली हूँ, मंडी की हूँ। तो ज़रूर अपर के ये मेरे बहुत सारे गाने हिट हैं और आज की डेट में जो बहुत ही पॉपुलर है जो सॉन्ग, वो मैं ज़रूर सुनाऊंगी जी। जी हुंदी बैशने के हाड़ी कार, हुंदी बैशने के हाड़ी कार, साथी घूमना था शिमला बाजार, जलेबी खानी ना थू भाई री, 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 टोके बॉय से हाउने दे चार, टोके बॉय से ठेकेदारी खोटो खाई री, ओ ठेकेदारी खोटो खाई री, ओ ठेकेदारी खोटो खाई।
गीता जी जैसा हिमाचल की बाकी भाषाएं फिर भी हम समझ सकते हैं, थोड़ा आसानी से समझ ली जा सकती है। किन्नौरी एक ऐसी भाषा है जिसको समझने में थोड़ा सा हमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उस भाषा में आपने अपनी रुचि को कैसे बनाया और किस तरह से आपने उस भाषा में भी गाने गाए हैं और आप उसमें भी आपकी विशेष रुचि रही है। देखिए समझ में तो नहीं आते लेकिन वहाँ के लोगों को पकड़ के उनको बोलना कि मुझे ये गाना सिखाओ, ये उनका जो प्रोनंसिएशन होता है वो बहुत अच्छा रहता है, लाइक संस्कृत काइंड ऑफ। जी जी। लेकिन कुछ लोगों को जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उनसे पूछ पूछ के गाना गाना और उसको फॉलो करना, कोई भी गाना है उसको उनको पहले फॉरवर्ड करके उनसे सलाह लेके फिर ही मैं उसको आगे गाती हूँ। हमने सुना है आप चंबियाली बहुत अच्छा गा लेती हैं, आपकी चंबा की भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को चंबियाली भाषा में कोई गीत सुना दें। बिल्कुल, चंबा का फोक मेरा सबसे फेवरेट फोक है जी, जो मैं मतलब आँख बंद करके कहीं भी कभी भी गा सकती हूँ बिना किसी हेजिटेशन के एकदम। जी 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 जी। आया था जिंदे आया बरसाना हो, ओ आया था मेरा डंगरे गीता जी, दूरदर्शन की तरफ से और दर्शकों की तरफ से हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को अपनी मधुर आवाज़ में गीत सुनाए। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।